आज रूपा की शादी थी। शादी का कार्यक्रम होते होते शाम हो गई थी। विदाई का कार्यक्रम शाम को हुआ। अभी बारात विदा होकर गांव की सीमा तक ही पहुंची थी कि अचानक वहां शोर मच गया। क्या हुआ, सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात हो गई है? अरे भैया, टोली में से दुल्हन गायब है। ओ क्या, ये कैसे हो गया? अरे देखो, इधर उधर कहीं रुक गई होगी। अरे नहीं भैया, यहाँ से लेकर दुल्हन के घर तक दिखवा लिए हैं। उसका कोनो अता पता नहीं है। ओ रात भर गांव के सारे लोग दुल्हन को ढूंढते रहे, मगर उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार सब लोग थक हार कर वहां से लौट पड़े। सारे गांव में सन्नाटा छा गया, खासकर रूपा के घर में तो जैसे शादी ना होकर किसी की मौत हुई हो, इसी तरह से लोग रो पीट रहे थे। ये तो पहली घटना थी। इसके बाद अगले 2 महीने में 3 और दुल्हनें इसी तरह गायब हो गई। गांव के लोग माथा पीटते थाने पहुंचे। उस थाने की प्रभारी इंस्पेक्टर वर्षा थी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, जितना आप लोग परेशान हैं उतनी मैं भी परेशान हूँ। इतने सालों से इस गांव में रहते हुए मेरा भी इस गांव से एक खास रिश्ता बन गया है। जितनी भी दुल्हनें गायब हुई हैं वो सब मेरी बहन की तरह हैं। उनको ढूंढने में मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। मैंने शहर से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी मंगवाई है। आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्द ही आप सबकी बच्चियाँ सही सलामत आपके पास होंगी। गाँव वाले वर्षा के आश्वासन से संतुष्ट होकर चले गए। वर्षा ने गाँव वालों को आश्वस्त तो कर दिया था, मगर उसके मन में खुद शंका थी। मिश्रा जी, जरा गुम हुई लड़कियों की फाइलें तो लेकर आना। जी मैडम। वर्षा फाइल लेकर गौर से देखने लगती है। मिश्रा जी, ये तो बताइए कि इन 2 महीनों में गांव में कितनी शादियां हुई हैं? यही कोई 12। और लड़कियां कितनी गायब हुई हैं? कुल 4। आप कहना क्या चाहती हैं मैडम जी? आपने शायद ध्यान नहीं दिया मिश्रा जी कि जितनी भी दुल्हनें गायब हुई हैं उन सब की विदाई शाम के समय हुई है। यानी कि लड़कियों को गायब करने वाला जो कोई भी है वो अपना काम शाम में ही करता है। हमें गांव वालों को ये बात बतानी पड़ेगी मिश्रा जी, और उनसे कहना पड़ेगा कि जितना हो सके विदाई का काम दिन में ही पूरा करें। इससे हमें उस गायब करने वाले का पता लगाने के लिए काफी समय भी मिल जाएगा और फिर ऐसी कोई अनहोनी घटना भी नहीं होगी। जी मैडम, मैं अभी ये खबर गांव वालों को भिजवाता हूँ। सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि दुल्हनों को गायब करने वाला अपना काम रात को ही करता है। उसके बाद से गांव की सारी शादियां दिन के समय ही की जाने लगी। इस वजह से दुल्हनों के गायब होने का सिलसिला एकाएक रुक सा गया। उधर वर्षा अपनी पूरी फोर्स के साथ गायब हुई लड़कियों की तलाश में लगी थी, मगर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। एक दिन थाने में बैठी इसी बात पर सर मार रही थी, तभी वहाँ गांव का एक किसान रामधन आया। राम राम मैडम। अरे रामधन जी, आप यहाँ? परसों तो आपकी बेटी का ब्याह है ना? उसी सिलसिले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहिए। हुजूर, लड़के के परिवार वाले दूर गांव के हैं, जहाँ जाने में 2 दिन लगते हैं। उनका कहना है वो लोग बारात को शाम को ही विदा करना चाहते हैं, जिससे वो समय पर अपने घर पहुंच सकें। हुजूर, मैंने उनके शाम में विदाई ना करने के बारे में बहुत समझाया, मगर वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। कह रहे थे कि अगर शाम को विदाई नहीं होगी तो ये शादी भी नहीं होगी। आप फिक्र छोड़कर अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कीजिए रामधन जी, पुलिस आप लोगों की हिफाजत करेगी। रामधन के जाने के बाद, मैडम जी कह तो आपने दिया है, मगर हम करेंगे क्या? मेरे दिमाग में एक प्लान है मिश्रा जी। इस बार डोली में दुल्हन की जगह खुद मैं जाऊंगी। यही आखिरी रास्ता है उस अपहरणकर्ता को पकड़ने का। मगर मैडम, इसमें तो बहुत खतरा है। अरे कोई खतरा नहीं है मिश्रा जी, मैं भरी हुई पिस्तौल अपने साथ रखूंगी और आसपास के पेड़ों और झाड़ियों में भी पुलिस के लोग छुपे रहेंगे। समझ गए? जी समझ गया मैडम। शादी वाले दिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वर्षा ने दुल्हन का वेश धरा और एक नकली विदाई का समारोह रचकर डोली में बैठ गई।
तब तक चारों ओर अंधेरा छा गया था। वर्षा ने अपने साथ भरी हुई पिस्तौल रख ली थी तथा वहां से लेकर गांव की सीमा तक सारे रास्ते पुलिस के आदमी छुपे बैठे थे। अचानक गांव की सीमा के पास पहुंचते ही शोर मच गया कि दुल्हन फिर से गायब हो गई है। इधर सब वर्षा को ढूंढने में लगे थे, उधर वर्षा को कोई अदृश्य शक्ति गांव के पहाड़ियों में बनी एक गुफा में लापटकती है। वर्षा जल्दी से दुल्हन का भेस उतार कर वर्दी में आ जाती है और पिस्तौल तान कर कहती है, कौन है, सामने आओ। तभी वहाँ एक भयानक हंसी की आवाज गूंजी। पहले ये बता कि तू कौन है। मुझे तो तू कोई दुल्हन नहीं लगती। मैं इस गांव के इंस्पेक्टर हूँ, मेरा नाम वर्षा है। तब वर्षा के सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। उसका सारा शरीर जला हुआ था, जगह जगह से जला हुआ मांस और खून रिस रहा था। उसे देखकर वर्षा भी सहम गई। डर मत, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगी, मैंने तो आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो फिर वो सब लड़कियां कहाँ हैं? वो सब इसी गुफा के तहखाने में सुरक्षित हैं। तूने उन्हें क्यों उठाया है? उन्हें एक भयानक मौत से बचाने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। तो सुन, मेरा नाम चंपा है। आज से कुछ सालों पहले मेरी शादी इसी गांव में हुई थी। मैं सब कामों में निपुण थी, मगर मेरे ससुराल वालों को मेरे गुण नहीं दिखाई देते थे। उन्हें तो बस यही दुख सताता था कि मैं अपने साथ बहुत कम दहेज लाई हूँ। एक दिन उन जालिमों ने दहेज के लालच में आकर मुझ पर मिट्टी का तेल डालकर मुझे जिंदा ही जला दिया। तब से मेरी रूह बेचैन है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं इन लड़कियों को यहाँ उठा लाती हूँ। चंपा की कहानी सुनकर वर्षा का दिल रो पड़ा। उसने पिस्तौल नीचे कर ली और फिर चंपा से बोली, सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है चंपा, लेकिन इस तरह से इन लड़कियों को यहाँ लाना भी तो ठीक नहीं है। जो तुम्हारे गुनहगार हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। मैं उन्हें ढूंढूंगी और उन्हें सजा दिलवाऊंगी, मगर अभी तुम इन लड़कियों को जाने दो। दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं, उन्हीं अच्छाइयों की वजह से तो ये दुनिया टिकी हुई है। चंपा का रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। वह एक भयानक चुड़ैल से एक सुंदर औरत में बदल जाती है और कहती है, सच में दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं, ले जाओ इन लड़कियों को और सौंप दो इनके माँ बाप को। दुनिया में जब तक तुम्हारे जैसे लोग हैं मुझे इस तरह के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम मुझे न्याय जरूर दिलवाओगी। जरूर दिलवाऊंगी। इसके बाद चंपा वहां से गायब हो जाती है और वर्षा लड़कियों को तहखाने से निकालकर गांव लौट पड़ती है। ये केस तो उसने हल कर लिया था, अब उसके सामने दूसरा बड़ा केस था, चंपा को इंसाफ दिलाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।